ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है अपनों को। तो देखो यहाँ पे अपनों को दिया हुआ है सोडियम 11 से लेके 23, ठीक है। 11 जो दे रखा है ना, क्या है ये 23 क्या है, अपन मैं बताऊँगा आपको। तो देखो इसमें क्या फाइंड करना है अपनों को। तो सोडियम 11 23 फाइंड एटोमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सोडियम। तो अपनों को सोडियम का यहाँ पे एटोमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करना है, पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एक जो एलिमेंट होता है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जैसे मैं कोई भी एक एलिमेंट लिखता हूँ, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो कोई एलिमेंट है, जैसे मान लिया मैंने एक एक्स एलिमेंट है, तो ध्यान रखना इसके जो नीचे की तरफ होता है ना, उसको बोलते हैं अपन जेड। या नीचे की तरफ जो भी वैल्यू लिखी होती है ना, उसको जेड बोलते हैं। अभी ये जेड क्या है मैं बताऊँगा आपको। और जो ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है, उसको बोलते हैं अपन ए, ठीक है। तो कोई भी आपको एलिमेंट दे रखा है, या एन ए जो होता है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, सोडियम का। तो सोडियम को बोलेंगे अपन एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट हो, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, नीचे की तरफ तो अपन जेड लिखते हैं और ऊपर की तरफ लिखते हैं अपन ए। तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका होता है ऐसे, नीचे तो अपन को जेड ही लिखना है और इधर इस साइड ए, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी इसका तरीका होता है, एक ऐसा होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं जेड और ये ए। तो ऐसे कोई भी आपको एलिमेंट दिखे ना इस तरीके में, तीनों में से कोई सा भी, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर वाला जो है वो अपना ए है और नीचे वाला क्या है, अपना जेड है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है। अब जो ए जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको, है ना। तो ए ध्यान रखना, ये होता है अपना एटॉमिक मास। क्या होता है ये, एटॉम का मास होता है ना, जो भी एटॉमिक अपनों को एलिमेंट दिया हुआ है उसका मास होता है। तो ए होता है अपना एटॉमिक मास, ठीक है। और जो जेड होता है अपना, होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा ये। तो ए क्या होता है अपना एटॉमिक मास, और जेड होता है अपना एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखो सोडियम में सिंपल सा है, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को एन ए, नीचे तो लिखा हुआ है अपना 11, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है अपना 23। बस अब मुझे बताओ नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, जेड होता है। तो जेड क्या है अपना, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर, वो जेड की वैल्यू क्या आएगी अपनी, 11। 11 क्या है, 11 क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और अगला है अपना ए, ये 23 क्या दे रहेगा अपन को, ए। तो ये 23, ए की वैल्यू क्या है, 23। और ये क्या है अपना, एटॉमिक मास, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट आपको अच्छे से पता चल गया होगा, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।